बोलूं, पापा के बारे बोलने के लिए तो इतना सारा है कि अभी वीडियो बनाने जाऊंगी तो घंटे 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए चलिए थोड़ा बहुत ही मैं अभी बता देती हूँ, फिर कभी बताऊंगी। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 5 6 दिन के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। मोबाइल मतलब वीडियो बनाने का तो दूर, मोबाइल छूती भी नहीं थी, बट अब थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। वो भी बहुत मुश्किल से। बेटी अभी सोई है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो भी सोए हैं साथ में, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोग के लिए एक न्यू ब्लॉग लेके, और आज ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो क्या है खुशी की बात वो आप लोग को मैं बताने वाली हूँ, अभी बने रहिए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इंटर का रिजल्ट आ गया है, मतलब 800, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी का रिजल्ट आ गया है। तो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा भाई, छोटा भाई, चाचा का बेटा है, वो हमारे झारखंड में गुमला जिला में टॉप किया है और तीसरे नंबर पर है। तो है ना बहुत ही बड़ी खुशी की बात, जिले में थर्ड स्थान प्राप्त करना, तीसरा स्थान प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात है। तो हमारे परिवार में सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और इससे पहले किसी ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था जो मेरे छोटे भाई ने किया है। बहुत ही मेहनत करता है, बहुत मन लगा के पढ़ाई करता है, और उसका रीज़न ये भी है कि मेरे पापा जो हैं, यानी कि उसके बड़े पापा, वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो उनकी मेहनत भी रंग लाई ये कह सकते हैं हम लोग। जब वो छोटा था तब सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था हमारे गांव में ही। उस टाइम मेरे पापा स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उतनी अच्छी से पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी, लेकिन जब मेरे पापा अध्यक्ष बने तो बहुत कुछ सुधार हुआ मेरे पापा ने, अकेले तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ अगुवाई उन्हीं ने किया और बहुत कुछ सुधार आया उस स्कूल में। पढ़ाई अच्छी होने लगी और वो खुद भी पढ़ाते थे, तो मेरे पापा भी बहुत मेहनत किए हैं उसके पीछे। वो रात रात भर आता था पूछने के लिए, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, मैथ और इंग्लिश ये दोनों उसका थोड़ा थोड़ा मतलब कमज़ोर था, और वो मेरे पापा को बहुत मानता है, तो वो हमेशा जो भी डाउट होता था उसके मन में, वो आता था, बड़े पापा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, समझाइए। तो पापा मैं दिन हो रात हो, धूप हो बरसात हो, ठंडा हो कुछ भी हो, हमेशा वो तैयार रहते थे उसे पढ़ाने के लिए। जब भी आता था बड़े पापा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बड़े पापा इसे बताइए ना कैसे करते हैं क्या करते हैं, और जब तक वो समझ नहीं जाता तब तक वो पूछता रहता, और मेरे पापा जो उसे समझाते रहते अच्छे से बिठा के। खाना भी हमारे इधर ही खाता, कभी कभी तो सो भी जाता था। हमारे यहाँ जो भी बनता है, हम तीनों बच्चे, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं, मेरी दीदी, मेरी छोटी बहन जब थे, तब से मतलब बचपन से देखा है हमने कि हमारे परिवार में बच्चों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं। हमारा अपना कोई भाई नहीं है, लेकिन चाचा का बेटा जो है वही अपना से बढ़कर है हमारे लिए। हमारे लिए जो कुछ भी आता था घर में वो सारा मेरे चाचा का बेटा बेटी के लिए, जो भी बनता है हमारे घर में, स्पेशल हो स्पेशल ना हो तो भी। सबसे पहले करण, करण नाम है, करण को चाहिए, माही को चाहिए, चाची की बेटी का नाम है माही, उनके लिए बनना ही बनना है। हमारे लिए जो भी बनता उनके लिए भी बनता, हम जो खाते वो खाते, तो अच्छा लगता है।
ऐसा प्यार देख के। और आई होप कि आगे भी ये प्यार बरकरार रहे इसी तरह। और करण भी है, जो भाई है मेरा, वो भी मेरे पापा को बहुत मानता है, उनकी हर बात मानता है, तो इसलिए पापा को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो जब मेरे पापा अध्यक्ष थे स्कूल में, तब वो स्कूल में पढ़ाते भी थे बच्चों को। और जब उनका मतलब अध्यक्ष जितने साल तक रहते हैं वो साल पूरा हो गया, तब उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पे कोई और आ गया, तो फिर वो स्कूल वैसा का वैसा ही हो गया जैसे पहले था, बिल्कुल झंड बोल सकता है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई ये नहीं, कुछ भी नहीं। जब मेरे पापा थे तब बहुत ही अच्छा चलता था, स्टूडेंट भी आते थे, स्टूडेंट को मतलब क्या क्या नहीं किए हैं मेरे पापा, मतलब समिति था उनका, समिति में जितने भी लोग थे, बट अगुवाई मेरे पापा ही करते थे। कोई मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ मेरे पापा का, जो सच है वही बता रही हूँ आप लोग को, तो इससे आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा ये अपने पापा का बड़ाई कर रही है या ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सच्चाई है वही आप लोग को बता रही हूँ मैं। सच है वो तो बोल ही सकता है ना, झूठ तो मैं बोल नहीं रही हूँ। तो ये कह सकते हैं कि उनकी मेहनत भी रंग लाई है आज, और पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में मदद की है उन्होंने। पापा का कोई बेटा नहीं है, ये बात मुझे बहुत खलती है। और खैर, बेटा नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, हम बेटियां ही हैं, पापा की तीन बेटियां हैं और हम ये बहुत प्यार करते हैं अपने पापा से। और मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे जैसे पापा, मतलब मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी को ऐसे पापा मिलने चाहिए, मतलब इतने अच्छे, मतलब दोस्त की तरह हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया उन्होंने। तो हम लोग भी सोचते हैं कि भाई है, चाचा का बेटा है, जो उसके लिए भी वो बहुत कुछ करते हैं, अपना बेटा जैसा ही मानते हैं, उसके लिए जो हम लोग के लिए करते हैं वो सारा चीज़ उसके लिए होता है। और एक बहन भी है चाचा की बेटी, वो भी हमारे पास बहुत प्यार करते हैं दोनों से, और पढ़ने में बहुत ही तेज है चाचा का बेटा। तो पापा भी गाइड किए हैं उसको अच्छी तरह से, बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई लिखाई में हर तरह की मदद की है उन्होंने, अपना बेटा समझ के ही सब कुछ किया उसके लिए। तो आज वो मेहनत रंग लेके आई है और मेरा भाई गुमला ज़िले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, टॉप किया है, तो बहुत ही खुशी का दिन है, तो इसलिए हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। पेपर में पहली बार हमारे परिवार के किसी बच्चे का नाम आया है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और आई होप कि आगे भी ऐसा ही पढ़े और आगे बढ़े, अपने परिवार का नाम रोशन करे, यही उम्मीद करते हैं हम सब। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरी बहन का शादी फिक्स हो गया है, मतलब फिक्स तो हो ही गया था, इंगेजमेंट तो हो ही चुका है, बट तारीख भी तय हो गया था, मई में होने वाला था, बट इलेक्शन होने वाला है तो उसके चलते पोस्टपोन कर दिए, मतलब डेट कैंसिल करके डेट आगे बढ़ा लिए हैं, तो अब जुलाई में होने वाला है, 15 जुलाई को। तो फाइनली मैं भी अब मायके जाने वाली हूँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं अगस्त में आई थी यहाँ फरीदाबाद, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 10 महीने के बाद मैं जाने वाली हूँ मायके, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बेटी भी जाएगी, बेटी को मेरी देखने के लिए सब बहुत, मतलब बहुत एक्साइटेड है। पापा तो बोलते हैं मेरी कि कब आएगी रे तू, कब आएगी, कब पकड़ेंगे, जिसे लगता है बोलते हैं पापा वीडियो कॉल में। तो फाइनली अब जाने वाले हैं, अब तो डेट तय हो ही गया है। और तीसरी खुशखबरी ये है कि
हमारे घर में इन्वर्टर आने वाला है, जो कि मतलब मेरे लिए बड़ी बात ही है, क्योंकि हम सोचे थे कि लेंगे लेकिन हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली इस बार, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो बच्ची है, मच्छर होते हैं, लाइट कट जाती है रात में तो सोने का दिक्कत, और गर्मी के वजह से मच्छरदानी में सो नहीं सकते। ऐसे तो लाइन है तो सो सकते हैं पंखा कूलर चला के, लेकिन जब लाइन चली जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसके वजह से ये तीसरी खुशखबरी है मेरे लिए, आप लोग के लिए हो है या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए है कि एक दो दिन में हमारा इन्वर्टर आने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोग के साथ ये खुशी शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।